जय सवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूँ जिस दुनिया का उत्खनन होने के बाद उस दुनिया को हर वैज्ञानिक ने साबित करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता पर। जब से यहाँ पर उत्खनन हुआ है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपना अपना टाइम दिया है, अपना अपना अभ्यास किया है, वो गहन तरीके से किया है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाया। कोई भी वैज्ञानिक उस संस्कृति सभ्यताओं की जो मोहरों जो नानों पे जो नाने चलते थे, जो मोहर चलती थी, उस मोहर पे क्या लिखा ये नहीं पढ़ पाया। और मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा आचार्य तिरुमल मोतीरावन कंगाली साहब को जिन्होंने इसको पढ़ा। दोस्तों देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये मिला तो ये होगा, वो मिला तो वो होगा, लेकिन सभी के सभी मोहरों को, या मैं ये कहूँगा कि सभी के सभी बातों को एक जगह लाकर अगर पिरोए जाए तो कौन सी संस्कृति मिलती है, ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है। आज से कोई भी ऐसा 100% नहीं कर पाया कि ये जो सभ्यता है वो पूर्ण तरह से इस समुदाय की सभ्यता है या ये समुदाय यहाँ पे रहता था। लेकिन कुछ तर्कों के ज़रिए, कुछ एविडेंस के ज़रिए अगर हम चले तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि ये गोंडियन सभ्यता थी। यहाँ के गोंडियन ट्राइब गंडवाना, गंडमंदाना जैसे नाम लेकर चलने वाला यह ट्राइब वहाँ पे आपको मिलेगा, और उसकी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना बिल्कुल 100% मैच होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इतिहासकारों के नज़रों से वो मैं नगरी दिखाना चाहता हूँ जिस नगरी को आप अपने आंखों के सामने इमेजिन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इतिहास भी इमेजिनेशन से ही आगे आता है। इतिहास के सभी पहलू कभी सामने नहीं आते, दो चार पहलुओं को समझ कर बूझ कर उसका अध्ययन कर एक नया इतिहास आपके सामने लाया जाता है, वो भी तर्कों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। और वही दुनिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो दुनिया यहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं कि 4000 या 5000 साल पहले की थी, लेकिन उस दुनिया में आज के आपके ग्रंथों के देवी देवता कहीं भी नज़र नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, मैं सीधा कह रहा हूँ कि आपके आज के ग्रंथों के कोई भी देवी देवता वहाँ पर नज़र नहीं आते। अगर यहाँ पर जो स्तोम पड़ा हुआ है, यहाँ पर धर्मों की जो राजनीति हो रही है, वो दुनिया अपनी अलग सभ्यता बनाए हुए थी जिसे गणराज्य सभ्यता मैं कहूँगा, क्योंकि उनके यहाँ गणराज्य था, उनके यहाँ पे गणराज्य पद्धति थी। क्योंकि दोस्तों देखिए, वहाँ पे जो प्रमुख मिले हैं वो प्रमुख भी अलग अलग तरीके के हैं। आज अगर हम स्वतंत्र देश में हैं, संविधान लागू है, तो हम ये कहते हैं कि गणराज्य देश है, लेकिन अगर इसके बात को क्लियर करें तो यहाँ पे एक है कि कोई भी एक सत्ताधीश नहीं होता, हम लोग चुन के देते हैं, गणतंत्र व्यवस्था है। तो यही व्यवस्था 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो एरिया में नज़र आई है। वहाँ पे कोई भी एक सत्ताधारी नहीं, तो वहाँ पे प्रमुख थे जिसे प्रमुख कहा जाता था। आप कहेंगे कि मैं मोहनजोदारो मूवी देख के बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मोहनजोदारो मूवी भी ऐसे ही इतिहासकारों के नज़रों से ली गई है जो एक काल्पनिक कथा बनाई जाती है। क्योंकि बाढ़ आने से नहीं तो बहुत कुछ वहाँ पे एविडेंस मिला है, जिस उस एविडेंस के वजह से ये नज़र आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता या उनके शहर जलाए गए थे, लूटे गए थे, कत्ले आम वहाँ पे हुआ था। लेकिन ये जाने दीजिए, ये बाद की बात है। वो सभ्यता, वो नगरी क्या थी, कि किस नज़र से कैसे देख सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल आप आज इस वीडियो के ज़रिए इमेजिनेशन कीजिए कि वो 4000 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता कैसी हुई होगी। दोस्तों देखिए, किसी भी समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक या अन्य कई जो बातें हैं, इन बातों को संभालने वाले लोगों को तत्वज्ञ कहा जाता है, स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और यही स्पेशलिस्ट उस काल में भी थे जिनको मुखिया कहा जाता था। बिल्कुल, खेती के लिए अलग मुखिया होता था और सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मुद्दों के लिए भी अलग अलग मुखिया होते थे, और उनके हाथों के नीचे सहायक मुखिया होते थे। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और आगे आगे चलकर वो कमिश्नर, फिर और आगे बढ़ते जाते हैं, एक पदवी होती है जिसके वो एक दूसरे को जवाबदेह होते हैं। यह तो बनता है गणतंत्र व्यवस्था की जो मजबूत साखली बनती है, वो ऐसे ही बनती है। और यही व्यवस्था वहाँ पे देखी गई, अलग अलग जो मुखिया थे उनके उप मुखिया भी उनके हाथों के नीचे थे जो इनको बड़े मुखिया को जवाब दे रहे थे, और ये सभी मुखिया मिलकर इस व्यवस्था को चला रहे थे। दोस्तों, इस नगरी में कुछ विभाग थी,
कुछ विभागों में खेती विषयक काम होते थे, कुछ विभागों में आपका अनाज स्टोर करने के गोदाम भी, भंडार भी वहाँ पे नज़र आए, कुछ विभाग में स्विमिंग पूल नज़र आए, कहीं पे धातु के बर्तन बनाते हुए उनके जो छोटे से कारखाने हैं वो भी नज़र आए। यानी ये शहर जो थे वो बिल्कुल आसपास के एरिया के केंद्र बिंदु थे। जैसे कि हम बम्बई की तरफ वैसे देखते हैं, दिल्ली की तरफ वैसे देखते हैं, वैसे ही उच्चतम, उस सभ्यता के उच्चतम और टेक्नोलॉजी वाले शहर वो थे। और वहाँ पे अनेक प्रकार के आपको स्नानागर मिलेंगे। स्नानागर वहाँ के सभ्यता के लोगों का एक स्पेशल जो पारंपरिक उत्सव होता था उसके लिए वो स्नानागर यूज़ किए जाते थे। आज के ज़माने में स्विमिंग पूल पे हम जाते तो कभी भी हमारा वक्त नहीं है, लेकिन उन लोगों का वक्त था। दोस्तों इसमें एक दफ्तरशाही व्यवस्था थी, जैसे हमारे इसमें प्रशासकीय कार्यालय होते हैं, मुटवा पोए, सेरा पोए, मुरा पोए, ऐसे पदाधिकारी भी होते थे। ये भाषा जो मैंने, ये शब्द जो मैंने कंगाली साहब के किताब से ली है, लेकिन वहाँ पे एक समझा जाए तो वहाँ पे अधिकारी भी थे, उनका एक प्रशासकीय दफ्तर होता था और अपने अपने विषय को लेकर वो कार्य करते थे। अगर हम खेती की बात करें तो खेती व्यवस्था वहाँ पे समृद्ध थी। जी हाँ दोस्तों, खेती व्यवस्था बहुत बड़ी समृद्ध थी। वहाँ पे जो भी अनाज पकाया जाता था वो शहरों की जगह लाया जाता था। वहाँ पे भंडार भी दिखाए गए, गेहूँ से लेकर हमें कपास के भंडार भी मिलते हैं, हमें तिलहन के भंडार भी मिलते हैं, बाली के भंडार भी मिलते हैं, यहाँ तक कि हम जिसे आज दूध जमा करने का जो जगह है उसे डेयरी कहते हैं, वैसे ही डेयरी, दूध जमा करने की डेयरी भी वहाँ पे नज़र आई है। यानी आसपास के गांव के, ग्राम के लोगों का जो दूध आता है उस दूध की भी व्यवस्था बड़े पैमाने पे की जाती थी। यानी दोस्तों हम देख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं वो शहर कितना समृद्ध था, वो लोगों ने, उन लोगों ने कितनी अपनी जो डेवलपमेंट है कर ली थी। अलावा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है दोस्तों कि सोना, चांदी, अंजन, माणिक, हस्तिदंत, मोरपंख आदि उस मार्केट में, यानी उस शहरों में बेचे खरीदे जाते थे। यानी ये आभूषण के प्रकार वहीं पे थे। और दूसरी बात बता दूँ, आप अगर लिंकी लगाना चाहते हो तो आज आप ध्यान में रखिए, हस्तिदंत, माणिक, मोरपंख और बाकी जो सुंदर चिड़ियाँ हैं जिसके पंख भी बेचे जाते हैं, ये आभूषण ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राइबल में मिलेंगे, चाहे वो गोंडी हो, चाहे वो मीना हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो झारखंड का हो, उन ट्राइबलों में। क्योंकि ट्राइबल लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो सौंदर्य के लिए किसी पेड़ का फूल नहीं तोड़ते, क्योंकि उससे पराग चला जाता है और वो फूल जो फल बनाने वाला था वो नहीं बनाएगा। इसलिए ट्राइबल लोग उसी वस्तु को अपने सर पे सजाते हैं जो वस्तु, जैसे मोर ने अपने पंख झाड़ दिए हैं, हत्ती बुढ़ाव के मर गया उसका हस्तिदंत है, इन चीज़ों को सर पे लगा के सौंदर्य मानकर इसे ही सर पे लगाया जाता है। जैसे उनको, उनका कहना है कि प्रकृति के इन सभी पक्षी प्राणियों को हम सर पे लगाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ भी होता है कि हम उनको बहुत बड़ी पैमाने पे मानते हैं। अगर दोस्तों इन, जब मार्केट था, इतना बड़ा शहर था, तो एक बात है कि उनकी गिनती भी हुई होगी, तो मूलाधार से 8 की गिनती वहाँ पे वैज्ञानिकों को, हमारे रिसर्चकार को सामने आई है। लेकिन 10 तक उनके आंकड़े थे और 10 के बाद अगर उन्हें संख्या बढ़ानी है तो उनके बाद एक खड़ी रेघ ओढ़ देना, ऐसा फिर आगे सिलसिला चलता था। तो दोस्तों ऐसे ही उनकी जो गिनती है वो थी। अगर हम महीने की बात करेंगे, हम साल की बात करेंगे, तो देखिए दोस्तों आज भी वही चल रहा है। और ट्राइबल कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मिलेगा कि चंद्रमा के कलाओं पर उनके पर्व डिपेंड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको पता है कि चंद्रमा की कला कैसी होती है। अगर आप इनको गिने चुने तो आप ये देखेंगे कि पूर्णिमा से अमावस्या तक, इसे ही गोंडियन ट्राइब में 19 से पुन्नी कहते हैं, तो ये जो सिलसिला है वो 29 दिन का है। अगर हम चंद्रकला को पकड़ लिए तो 30 भी हो जाता है। तो इन चंद्रकला को समझकर 19 से पुन्नी एक महीना, ऐसे करके 12 महीनों का एक चक्र उस काल में भी, उस सिस्टम में भी, उस शहरों में भी माना जाता था। और जी हाँ दोस्तों, चंद्रकलाओं पर भी लोग अपने त्यौहार पर्व उस काल में भी मनाते थे। उस काल में जैसे हम कहते हैं कि मौसम कितने हैं, तो हम 3 कहेंगे, बारिश, ठंड और धूप कहेंगे। लेकिन अगर हम कृषि नज़रों से देखें तो आज भी हमारे मौसम 2 ही है, एक खरीफ और रबी। एक फसल उगाई जाती है, उसके बाद दूसरी फसल उगाई जाती है। आज के फसल में हम कपास लगा रहे हैं और दूसरी फसल में हम चना वगैरह लगा देते हैं।
तो यही सिस्टम उसी काल में भी था, दोनों टाइम में फसल उगाई जाती थी जिसे दो मौसम में बांटा जाता था, जिसे हम खरीफ और रबी कहते हैं। बड़ा शहर था तो उसके आसपास बहुत बड़े बहुत छोटे मोटे गांव भी थे जिसे ग्राम कहेंगे हम, जिसे गोंडी में नार कहते हैं। और नार से और दूसरा एक शब्द है जिसे पोली या पल्ली कहते हैं, और बड़ा शहर है तो उसे कोट कहा जाता है, इसलिए हरवा कोट मुरवा कोट का नाम हमें हड़प्पा का दिखता है। और दोस्तों यहीं से ये रिसर्च शुरू हुआ और आज भी कोट पद्धति किस्म है तो यहाँ के इंडिया के गोंडियन ट्राइब में कोट पद्धति नज़र आती है। नार पद्धति में नार भी आता है और पोली और पल्ली भी आता है। अगर आप नहीं जानते तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली एरिया में कभी जाइए, वहाँ पे पल्ली नाम के गांव बहुत मिलेंगे। एटा पल्ली मिलेगा, आला पल्ली मिलेगा, ये पल्ली वो पल्ली, पीछे नार लगाना या अभी वो पुर बना रहे हैं, लेकिन नार या पल्ली ये पहले से था जो सिंधु घाटी सभ्यता से थे और यही नाम वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। छोटे गांव को नार या पल्ली लगाया जाता था नाम के पीछे और बड़े शहर को कोट लगाया जाता। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इन सभी दुनिया की, इस दुनिया में दफन विधि भी जो होता था वो ज़्यादा तौर पर वहाँ पे दफन आए हुए जो शव पाए गए थे उस शवों में यही सिस्टम निकल के आता है कि वहाँ पे जो समुदाय ज़्यादा पैमाने में रहता था वो समुदाय में दफन विधि होती थी जो आज भी गोंडियन ट्राइब में मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे क्लू निकाल के सामने आएंगे जो यहाँ के ट्राइब से रिलेट होते हैं, ना किसी के धर्म से, क्योंकि मैं मानने को या मेरे स्टडी मानने को तैयार नहीं है कि 4,000-5,000 साल पहले भी कुछ धर्म अस्तित्व में थे। धर्म तब बने जब इंसान को ये लगा कि इंसान एक नियम में बंधा हुआ चाहिए, और कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो पुराने ग्रंथ आपको बताए जाते हैं टीवी सीरियलों पे वो 2000 से या 3000 साल पहले का हो। अगर वैज्ञानिकों ने ये खोजा है तो उन्होंने यही कहा है कि ये सिर्फ कम से कम 1000 साल पहले या 700-800 साल पहले के ग्रंथ हैं। दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता फलफूल रही थी तब न जाने क्या हुआ और ये सभ्यता ज़मीन में दफन हो गई। इसके पीछे की बहुत सारे रीज़न है। कंगाली साहब कहते थे कि यहाँ पे विदेशी लोगों का ज़रूर आक्रमण हुआ होगा क्योंकि इस सभ्यता को तहस नहस किया गया, जलाया गया, मारा गया, मारकाट हुई, यहाँ पे खून खराबा हुआ और इसके बाद यह सभ्यता का नामो निशान मिट गया। दोस्तों देखिए, एक इतिहासकार अलग कहता है तो दूसरा अलग कहता है, हमें सभी इतिहासकार के राय जो है बहुत अमूल्य होते हैं, लेकिन कंगाली साहब का ये रिसर्च गोंड समुदाय के लिए इतना जीवनदायी नहीं है क्योंकि उन्होंने 99% यहाँ पे सिद्ध किया है कि ये गोंडियन सभ्यता है। और यहाँ के गोंडियन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नियम आपने रिसर्च किया है और गोंडियन सभ्यता के नियम को आप मैच करके देखिए जैसे कि वैसे वहाँ पे मिलेंगे। उनके गणतंत्र व्यवस्था में एक बड़ी व्यवस्था थी जो व्यवस्था सगा व्यवस्था है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ये सगा व्यवस्था से बाकी लोग कामों से भी विभाजित थे और ये लोग प्रमुख वैसे भी माने जाते थे। और आज भी आप देखिए उनके सगा व्यवस्था से हमें अलग अलग प्रकार के गांव मिलते हैं। महाराष्ट्र में आपको 4 से 7 सगाव तक बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 3 सगा वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बस्तर में आप जाएंगे तो 3 सगाव से लेकर आगे तक या पीछे तक सभी सगा वाले आपको मिल जाएंगे। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि ये जो सगा व्यवस्था थी, ये सगा व्यवस्था भी सिंधु घाटी सभ्यता में नज़र आती है। आपको गोंडियन सगा व्यवस्था पता नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, आपको सगा व्यवस्था पता चल जाएगी। मेरे नज़र से आपको वो सभ्यता दिखाने की कोशिश है जिस सभ्यता में कोई धर्म जन्मा नहीं था। विचार थे, नियम थे, सभ्यता थी, लेकिन धर्म नहीं था, क्योंकि धर्म के चश्मों से आप विज्ञान को नहीं देख सकते क्योंकि उस चश्मे के आगे पीछे पाखंड हुआ होता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ हमेशा कि हमें जब तक हम पाखंड वाले चश्मे उतारेंगे नहीं, सही इतिहास हमें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पाखंड के इस दौर में इतिहास को घुमा फिरा के दबा दिया जाता है। और जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी इतिहासकार अपने बुद्धि से, अपने तर्कों से अब तक इतिहास लाए हैं ना, कभी भी उनसे पूछिए, पाखंड का रास्ता उन्होंने कभी भी अपनाया नहीं या पाखंड को कभी भी उन्होंने सामने नहीं रखा है। दोस्तों ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की एक टूर थी जिसमें आपको बताना चाहता था ऐसी सभ्यता थी वहाँ पे जहाँ पे किसी भी पाखंड का नाम नहीं था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और गणतंत्र व्यवस्था थी। और आज भी आप किसी भी कबीले, किसी भी कौम, किसी भी समुदाय में जाने की कोशिश करें, गणतंत्र व्यवस्था आपको ट्राइबल समूहों में नज़र आएगी जो आज भी टिकी हुई है, क्योंकि वो लोग कभी मैं नहीं कहते, वो कहते हैं हम हैं और हमसे गणतंत्र व्यवस्था जन्म लेती है। तो दोस्तों यही कहना था,
कंगाली साहब का ये किताब जो मैंने कुछ बातें बताई हैं, आप अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। उस किताब में स्टार्टिंग से एंड तक हर बातों का वहाँ पे एग्जांपल दिया गया, हर बातों का स्पष्टीकरण भी दिया गया। हमारे माननीय प्रकाश सलामे जी इस अध्ययन में जुटे हुए हैं और आज भी उनके मोहरे पढ़ने का अभ्यास शुरू है। तो आगे चलकर जल्दी से उस मोहरे को कैसे पढ़ा गया ये भी वीडियो आपके सामने आएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको किताब चाहिए तो स्क्रीन पर सलामे सर का यानी प्रकाश सलामे सर का नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे बात करिए या कॉल्स के ज़रिए उनसे बात करिए। आपको किताब चाहिए तो आपके घर तक वो कुरियर कर देंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।